राजधानी पटना के कोतवाली थाना की चार दीवारी के पास शुक्रवार 21 सितंबर को दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चला कि जिसकी हत्या हुई है वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि कुख्यात अपराधी मोहम्मद तबरेज आलम उर्फ तब्बू है। तबरेज पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का राइट हैंड हुआ करता था। तबरेज मुख्य रूप से शूटर था। इसने बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक हत्या, किडनैपिंग और रंगदारी की कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। हत्या के बाद धीरे धीरे तबरेज के अपराध का इतिहास जब खुला तब इसके कई कारनामों की जानकारी सामने आ गई। तबरेज आलम उर्फ तब्बू के बारे में जो महत्वपूर्ण बात हम अभी आपको बताने जा रहे हैं वह यह है कि साल 2004 में धनबाद के वासेपुर में फहीम खान के घर हुए हमले में भी वह शामिल था। इस घटना को बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में प्रमुखता से फिल्माया गया है। यह वही घटना है जिसे फिल्म के पहले पार्ट की शुरुआत होती है। बता दें कि फिल्म में फहीम खान के किरदार को बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया था। फिल्म के सीन में नवाजुद्दीन उर्फ फैजल खान के घर पर सुल्तान बने पंकज त्रिपाठी अपनी टीम के साथ हमला बोल देते हैं। इस दौरान फैजल खान के घर पर सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई थी। बताया जाता है कि असलियत में तब इस हमले के लिए पूरी टीम को शब्बीर खान ने तैयार किया था। उसी ने तबरेज आलम को टीम में शामिल होने के लिए भी बुलाया था। तब फहीम खान के घर पर हमला करके भागने के दौरान इनका पुलिस एनकाउंटर भी हुआ था। इस सीन को भी फिल्म के पहले पार्ट के शुरुआती कुछ मिनटों में ही फिल्माया गया है। पुलिस के साथ हुए इस शूट आउट में इनका एक साथी सुल्ताना अहमद मारा गया था जबकि तबरेज और उसका एक और साथी तनवीर आलम अरेस्ट हो गए थे। फहीम खान ने सितंबर 2016 में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में अपनी गवाही के दौरान भी इस कहानी को बयां किया था। फहीम ने बताया था कि 29 जनवरी 2004 की उस रात वो अपने घर में बने ऑफिस में अपने कुछ साथियों के साथ था जिस दौरान हमला किया गया। हमला करने वाले जिन लोगों को फहीम खान ने पहचाना था उनमें तबरेज आलम भी शामिल था। फहीम के अनुसार यह लोग उसके घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान ही फहीम अपने साथियों के साथ पड़ोसी की छत पर कूद गए। बाद में उन्हें सुबह सूचना मिली कि गोली चलाकर भागने के दौरान शूटरों की बेकार बांध इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक शूटर और दो पुलिस वालों को गोली लगी थी। वहां दो शूटर पकड़े भी गए थे जिनमें तबरेज आलम भी शामिल था। बताते चले कि फहीम खान के घर पर हुए इस हमले के करीब 9 महीने बाद 18 अक्टूबर 2004 को उसकी मां और मौसी की भी सरेराह हत्या कर दी गई थी। धनबाद के वासेपुर में इन्हीं आपराधिक घटनाओं के आधार पर अनुराग कश्यप ने अपनी बेहद चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का निर्माण किया था।